हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? जस्ट मुझे बताइए अगर मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप सभी को क्लियर है या दिख पा रही है या नहीं। जो भी है अगर कोई कमेंट करके बताएं प्लीज। ओके गुड, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी ज्वाइन किया, कहां कहां से ज्वाइन किया जस्ट एक बार मुझे बता दीजिए जस्ट फॉर इंट्रो। हम फिर हम स्टार्ट करते हैं स्लोली। सुनमजीत अमृतसर उत्तराखंड, गुड गाइस। यूके से विवेक भट्ट असम दिल्ली राष्ट्रीय, गुड गाइस। सांगली महाराष्ट्र राजस्थान पानीपत आशीष जी, ओके। वेस्ट बंगाल अमरीश जी, ओके ओके गाइस गुड। चलिए हम स्लोली स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन जो हमारा वेबिनार 2 है ये। ओके, दुबई से मुंबई, गुड गाइस। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, ये हमारा वेबिनार नंबर 2 है। थैंक यू अरव जी, मैं भी आपके साथ यहाँ जुड़कर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमने एक वेबिनार किया था पहले, ये हमारी 4 वेबिनार की सीरीज है। पहला वेबिनार हमने किया था ट्रेडिंग कैंडल स्टिक विद ट्रेंड। ट्रेंड के साथ हमने सीखा था कि कैसे आप कैंडल स्टिक को ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वो वेबिनार अभी फ्यूचर में वो यूट्यूब पर डालूंगा, अगर जिन्होंने भी वो मिस कर दिया था, अगर नहीं देखा है तो उसको टाइम दीजिएगा। ये स्लोली स्लोली ये सभी डाटा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर हम वेबिनार 2, ये सेकेंड वेबिनार है जो हमारी 4 वेबिनार की सीरीज है जो हम मई में यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग कैंडल स्टिक विद काउंटर ट्रेंड। तो काउंटर ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और काउंटर ट्रेंड को थोड़ा समझेंगे और उसके बाद हम आगे यहाँ पर चलेंगे। तो जस्ट पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं जो हमने पहले वेबिनार किया था ताकि हम सब हमारे साथ कनेक्ट रहे अगर जो पहले वेबिनार में नहीं ज्वाइन किया था। तो पहला, जस्ट यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे डाटा इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, जस्ट उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। तो जस्ट ये एक डिस्क्लेमर है। और यहाँ पर हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल को मैंने डिवाइड किया हुआ है, हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर चार्ट पैटर्न हार्मोनी, और सभी में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं जो आप टेक्निकल्स में देखते हैं। तो हम अलग अलग वेबिनार में इन चीजों को कवर करते हैं क्योंकि टॉपिक्स काफी हैं, काफी चीजें हैं और इन पर डिटेल में एक एक टॉपिक पर एक एक वेबिनार की जरूरत है ताकि आप उसको डिटेल में समझ सकें अगर आप उसको अप्लाई करना चाहें। अब यहाँ पर हम प्राइस एक्शन में बात करेंगे तो हम आज कैंडल स्टिक के ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगेंस्ट ट्रेंड, क्योंकि काफी एक ऑफ टॉपिक है। नॉर्मली आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, पर कभी जब कौन सी सिचुएशन में आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड कर सकते हैं और किन के लिए है वो चीजें हम यहाँ पर आज समझेंगे। तो अगेंस्ट ट्रेंड, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो बेसिक चीजें पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। 2-3 स्लाइड है जो हम पिछले वेबिनार में बात की थी कि पिन बार्स के बारे में, हमने इनके बारे में बात की थी कि क्या पिन बार्स होते हैं या टेल बार्स होते हैं, कैसे इनको ट्रेड करना चाहिए और कौन कौन से हैं जो पावरफुल है, जो हमने स्टैंडर्ड पिन बार इनके बारे में और बुलिश और बेयरिश इन दोनों के बारे में हमने बात की थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे काउंटर ट्रेंड के बारे में। पहले तो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग होती क्या है, क्या समझते हैं आप? जस्ट मुझे एक कमेंट में बताइए ताकि मैं आपसे एंगेज भी कर सकूं यहाँ पर। व्हाट इज काउंटर ट्रेंड, क्या समझते हैं आप इससे? अगेंस्ट ट्रेंड, गुड धर्मजी जी, और कोई आंसर अगर है? ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग अगेंस्ट ट्रेंड, बिल्कुल ठीक है। यही मैं देखना चाहता था कि सब इस चीज से अवेयर हैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको बताने के लिए जस्ट सिंपल चीज, मान लीजिए आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, आप ट्रेंड ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। तो आप बाय करने के लिए ही सोचेंगे जो भी डिप्स होंगे, पर यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ट्रेंड के अगेंस्ट, तो मतलब ट्रेंड आपका अप है और आप यहाँ पर सेल करें, सेल करने की सोचेंगे। तो कहाँ पर, जब भी आपको कोई हाई मूवमेंट होगी वहां पर आप सेल करेंगे और छोटी छोटी मूवमेंट्स को यहाँ पर कैच करने की सोचेंगे। ये होता है अगर हम बाय के लिए देखेंगे। सेल में अगर हम ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर फिर हम बाय के लिए देखेंगे। बाय कब देखेंगे, जब मार्केट पूरी तरीके से आपकी ओवरसोल्ड हो चुकी है और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, फिर आप उसमें बाय के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर फिर आप बाय के लिए देखेंगे, यहाँ पर आप बाय के लिए देखेंगे, आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ट्रेंड डाउन है और यहाँ पर आप बाय के लिए देख रहे हैं, ट्रेंड अप है यहाँ पर आप सेल के लिए देख रहे हैं। तो सिंपल चीज, व्हाट इज काउंटर ट्रेंड। और यही चीज मैं अगर मैं चार्ट में दिखाना चाहूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर एक चार्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि यहाँ से प्राइस आपका ऊपर की तरफ चला हुआ है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर अगर आप सेल के लिए देखेंगे तो आप जो यहाँ पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस तरीके से आप ट्रेंड के अगेंस्ट में यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब आगे चलते हैं। सो
हु कैन ट्रेड काउंटर ट्रेंड, सबसे पहली बात तो यही आती है कि काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग किनको करनी चाहिए, क्या बिगिनर को काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर जो एडवांस ट्रेडर हैं उनको काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करें, आप एडवांस ट्रेडर हैं, आपको काफी टाइम इसमें बिताया हुआ है, तभी आप इसमें काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप मार्केट के अगेंस्ट में जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में नॉर्मली जो ट्रेडिंग है आप हमेशा जब ट्रेंड ऊपर की तरफ चला हुआ है आप हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहेंगे, जहां पर भी मार्केट की मूवमेंट है आप उसके साथ ट्रेड करना चाहेंगे। अब क्यों जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है आप सेल करने की सोचें, तो उसका डिफरेंट रीजन है, वो हम कवर करेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भी ट्रेड करना है अगर वो बिगिनर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मार्केट की मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं होगी, या फिर रिवर्सल अगर हुआ भी है जो आपने एक्सपेक्ट किया इतने बड़े वो कब होगा वो देखने वाली बात है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इस चीज को ट्राई करें, हाँ नॉलेज के लिए अच्छा है, अगर आप सीखना चाहते हैं डेफिनेटली आप इसको सीखिए, पर इन फ्यूचर जब आप अच्छे ट्रेडर एडवांस ट्रेडर बन जाए तब इसको आप इंप्लीमेंट करें, पर बिगिनिंग में बिल्कुल भी आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग ना करें। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, आप करना चाहें कर सकते हैं पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द फ्लो और सबके अगेंस्ट जा रहे हैं जो भी मार्केट के सेंटिमेंट, और यहाँ पर फिर आप बड़े मूवमेंट्स नहीं देखेंगे, आप छोटे मूवमेंट्स के लिए देखते हैं, तो डिफिकल्ट होता है। जब तक आपका माइंडसेट कंट्रोल में नहीं है, आपको पता नहीं है आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है, आपने सब चीजों को मास्टर किया हुआ, आपकी क्या चेकलिस्ट है, आपका क्या प्लान है, आपका माइंडसेट क्या है, कौन से पेयर्स में ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, सब चीज आपकी फाइनल है, सेटल है, और उसमें एक और लेयर आप ऐड करना चाहते हैं कि मैं आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में भी अपने हाथ आजमाना चाहता हूं, तब आप इसमें काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में जाएंगे। तो जस्ट एडवाइस के लिए मैं कहूंगा बिगिनर ना करें, एडवांस ट्रेडर हैं तभी आप इसमें जाएं। अब वाई काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग और क्यों करनी चाहिए, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो मेन रहती है आपकी शॉर्ट टर्म गेन। अगर आपका प्राइस का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ चला हुआ है तो आप जो है छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं आप उनको कैप्चर करना चाहेंगे नीचे की तरफ, या फिर आपको लगता है कि अब रिवर्सल होने वाला है उस जगह पर, कोई सॉलिड सपोर्ट है, अब यहाँ से मार्केट सीधा नीचे की तरफ क्रैश करेगी, तो नॉर्मली आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए देखेंगे जो भी छोटी छोटी मूवमेंट्स होगी आप उनको कैप्चर करेंगे अगेंस्ट ट्रेंड, जो भी आपका सेटअप प्लान होगा। और यहाँ पर हम स्ट्रेटजी को समझेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं वो आगे हम करेंगे, पर दो तरीके से जो मैंने आपको बताया, दूसरा टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोथ मूव। मान लीजिए आप प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आप इसमें लॉन्ग के लिए तो है ही थे, आपने इसमें बाय करके रखा हुआ है, पर साथ में साथ साथ आप इसमें शॉर्ट भी कर रहे हैं, जब भी आपको कोई मोमेंट प्राइस ज्यादा हार जा रहा है आप उसके साथ शॉर्ट भी कर रहे हैं, यहां से आपकी लॉन्ग पोजीशन तो एंटर है ही है जो जा रही है, दूसरी तरफ से आप उसको शॉर्ट मूव का भी एडवांटेज ले रहे हैं, तो आप जो बाय भी ले रहे हैं शॉर्ट भी ले रहे हैं, दोनों तरीके से आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं। बाय आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म में जोड़ो छोटी छोटी मूवमेंट हो रही है आप उनका एडवांटेज ले रहे हो, तो दोनों तरफ से आप उसमें एडवांटेज ले रहे हैं। तीसरा स्कैल्पिंग, यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए कि आप ज्यादा बड़ी मूवमेंट्स नहीं देखेंगे तो आपको लगता है कि मार्केट पूरी तरीके से ओवरबोट हो चुकी है, आप यहाँ पर इसमें सेल करेंगे, आप यहाँ पर इसमें सेल करेंगे, और छोटे छोटे मूव ज्यादा पिप्स नहीं, जब भी आप स्कैल्पिंग करते हैं आप ज्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं देखते हैं, आप छोटे टारगेट के लिए देखते हैं, आपकी कैपिटल आपके लॉट्स ज्यादा होंगे पर जो आपकी मूवमेंट होगी वो इतनी बड़ी नहीं, तो स्कैल्पिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप हेजिंग, क्या हुआ हेजिंग में, मतलब कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रखी हुई है या मैंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन रखी हुई है, जो भी है आपने एक पोजीशन रन की हुई है और वो आपके अगेंस्ट जाना शुरू कर देती है कि बिल्कुल यहाँ पर ऊपर चली गई और आप फिर उसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं कि मतलब कि अब एटलीस्ट मैं इसमें अगर ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखी, यहाँ पर मैंने एंटर किया, पोजीशन मेरे बिल्कुल टॉप में जा रही है, बिल्कुल ठीक है, अब मुझे लगता है ये नीचे डाउन में जाएगी तो मैं क्यों इसको लूज करना चाहूंगा, तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट कर देंगे, तो जो भी आपका यहाँ पर मूवमेंट जाएगी इस पोजीशन में वो आपका प्रॉफिट यहाँ तक 100 तक का था, जब वापस जाना आ जाएगा वो यहाँ पर 60 तक का आ जाएगा, पर यहाँ पर आप शॉर्ट कर देंगे तो आप इस मूवमेंट का भी फायदा उठाएंगे, तो आप इसको भी कैप्चर करना चाहेंगे, तो यहाँ पर वो अगेन और दोबारा से अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आप इसको अपना लॉन्ग टर्म के लिए जो आपकी मेन क्राइटेरिया था उसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें पोजीशन में से आउट हो जाएंगे, तो हेजिंग के लिए भी आप इसको यूज कर दो। डिफरेंट तरीके होते हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग ट्रेडर अपने यूज करते हैं ताकि आप इस काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग का फायदा उठा सके। अब
हाउ टू ट्रेड काउंटर ट्रेंडिंग, तो जो हमने पिछले वेबिनार में बात की थी इनको डिटेल में समझा था, जो हमारी कैंडल स्टिक थी, यही कैंडल है, स्टैंडर्ड बार, पिन बार, रियल बॉडी और नॉज, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, कितनी नॉज होनी चाहिए, कितनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो कैंडल जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी होगी उतनी पावरफुल होगा। प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, अगर मैंने जो जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करें कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से ओपन हुआ नीचे तक गया और यहाँ पर ही ऊपर हुआ है, ओपन हुआ है, तो इसका मतलब है क्लोज हुआ है कि जो नीचे बायर्स थे वो उसको ऊपर लेके आ गए, सेलर्स को नीचे लेके गए पर बायर्स को ऊपर ले, इसका मतलब क्या है, बायर्स आपके बहुत पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग है। तो हमारे लिए इस कैंडल की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जितनी ऊपर की नोज बड़ी होगी उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होती चली जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई सेलर बैठा हुआ है जो उसको नीचे की तरफ ले जा रहा है, तो बायर को इतना स्ट्रांग वो ऊपर लेके नहीं जा रहा है। उसी तरीके से सेल के लिए एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट बनी, यहाँ से प्राइस ऊपर हुआ, ऊपर तक गया, नीचे आया और दूसरी डायरेक्शन में उसको क्लोज किया, तो यहाँ पर कुछ बायर थे जो ऊपर लेके गए पर वहां पर कोई सेलर बैठा हुआ था जो उसको पूरी तरीके से नीचे ले गया, मतलब यहाँ पर आपके पूरी तरीके से सेलर स्ट्रॉन्ग है जो मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। और हमें इसी चीज को देखना है, इसी चीज को, साइन को, कि कौन मार्केट में डोमिनेट कर रहा है और किस तरीके से फिर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू ट्रेड काउंटर ट्रेंड। अब काउंटर ट्रेंड को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो कैन यू ट्रेड ऑल दिस टेल्स बार जो हमने बात की थी, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई भी टेल्स बार जो भी बने, जो बायर या सेलर आपको डोमिनेट करके देखें, आप उसको बाय या सेल करने की सोचे, बिल्कुल नहीं। सबके लिए एक लॉजिक है जो आपको ट्रेड करना चाहिए। और वहां पर हमने जो पहला वेबिनार किया था, हमने बात की थी आपकी ट्रेडिंग के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड और लोकेशन। यही चीजें हैं जब आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए भी देखेंगे कि आपका ट्रेंड और लोकेशन क्या है, पर यहाँ पर तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो। जो हमने बात की थी आपकी ट्रेडिंग के लिए, जो ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करनी थी, वहां पर हमने लोकेशन की बात करी थी, दो चीजें हमने बात की थी कि आपकी ट्रेंड क्या है, अगर ट्रेंड आपका अपर है इसमें बाय के लिए देखेंगे, अब हमें बाय कहाँ पर देखना है, हमने बाय के लिए बताया था कि सेकंड चीज जो लोकेशन, लोकेशन क्या थी, मैंने आपको बताया था 21 मूविंग एवरेज यूज कीजिए, उसके पास जब प्राइस आए और कोई टेल बार बने आप उसमें बाय करेंगे, अगर टेल बार बनता है तो आप बाय करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम ही चीज काउंटर ट्रेंड के लिए है, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है। अब यहाँ पर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना है, मूविंग एवरेज अगेन, हमें लोकेशन का इंपॉर्टेंट का ख्याल रखना है। यहाँ पर अब जो हमारी जो टेल बार की हम बात कर रहे थे, वो जितनी दूर बनेगी उतना बेटर रहेगा, तो यहाँ पर अगर कोई टेल बार नीचे की तरफ इस तरीके से बने उसको हम शॉर्ट करने की सोचेंगे, जितना वो दूर रहेगी 20 मूविंग एवरेज से उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, और उस मूव को हम कैप्चर करना चाहेंगे यहाँ तक, इस मूव को कैप्चर करना चाहेंगे यहाँ तक, इस मूव को कैप्चर करना चाहेंगे यहाँ तक। सेम ही अगर मैं सेल करने के लिए देख रहा हूं, मेरा प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो टेल्स बनेगी, जो इस तरीके की टेल्स होंगी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जितना दूर बनेगी आपकी 20 मूविंग एवरेज से उनको हम शॉर्ट करेंगे। और ये जो मूवमेंट्स होगी, अगर मैं इसको कलर चेंज करूं यहाँ पर, ये जो मूवमेंट होगी हम इसको कैप्चर करने की सोचेंगे, तो हम यहाँ पर शॉर्ट बाय करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, जितना दूर होगा प्राइस आपका 20 मूविंग एवरेज से उतनी दूर फिर आप उसके लिए बेटर है। अगर ये कैंडल फॉर्म होती है आप इसको यहाँ पर बाय के लिए देखेंगे, और अगर हमारा ट्रेंड अप है तो आप इसमें सेल के लिए देखेंगे इस जगह पर, जितना दूर हो 20 मूविंग एवरेज। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है, जब भी आप ट्रेंड के साथ हो या ट्रेंड के अगेंस्ट हो, सिंपल चीज है, आप मूविंग एवरेज को यूज कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आप ट्रेंड के साथ हैं, ट्रेंड से कितना दूर जा चुके हैं। यहाँ पर अगर इसको समझे हम कि आपको एंट्री के लिए क्या क्या देखना चाहिए, तो यही चीजें जो मैंने आपको बताई है मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी। बाय के लिए हमें क्या देखना है, बाय के लिए हमें देखना है कि आपकी मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग होनी चाहिए, मूविंग एवरेज राइज कर रही है। आई होप आपको ये येलो कलर दिख रहा होगा, विजिबल है या मैं इसको चेंज करूं, सबको विजिबल है या मैं इसको चेंज करूं, थोड़ा डार्क कलर कर लेता हूं ताकि आपको सबको विजिबल हो, ये कलर ठीक है? ओके, जस्ट हाँ या ना में जवाब दीजिए, सभी मेरे साथ हैं, ओके गुड। चलिए, तो राइजिंग मूविंग एवरेज क्या हुआ, राइजिंग मूविंग एवरेज का मतलब कि मेरा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है और मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हूं,
काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं किस कैंडल का वेट करूंगा, मैं इस कैंडल का वेट करूंगा जो आपकी इस तरीके से बने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर ने डोमिनेट किया, प्राइस ऊपर तक गया, बायर ऊपर तक लेके गए, पर सेलर ने डोमिनेट किया, प्राइस को नीचे तक लेके गए। अब मैं अगर ये कैंडल यहां पर बने, इंपोर्टेंस नहीं, इस तरीके से प्राइस आया यहां पर बने नहीं, प्राइस जितना दूर होगा और कैंडल मूविंग एवरेज से जितना दूर होगा गैप होगा यहां पर बनेगी, यहां पर हम इसको सेल करेंगे। तो इस वाली कैंडल को आप सेल करेंगे। अगेन अगर यहां पर बनती है नहीं, यहां पर जितना दूर हो, जितना गैप हो, ताकि हमारा टारगेट जो होगा वो मूविंग एवरेज के पास होगा। आप ज्यादा बड़े टारगेट यहां पर नहीं देखेंगे अनलेस आप बिल्कुल श्योर हो कि यहां पर पूरा रिवर्सल होने वाला है। आप रिवर्सल के लिए यहां पर नहीं देख रहे हैं, आप छोटे टर्म टारगेट के लिए यहां पर देख रहे हैं। अगेन अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, आप कैंडल कौन सी देख रहे हैं, आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं और आपका टारगेट यहां तक का आप देखेंगे। सेम तरीके से तो हमारा पहले राइजिंग मूविंग एवरेज होनी चाहिए और दूसरा टेल बार फॉर्म फार अवे फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज। जितना दूर फॉर्म होगी उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपके लिए बेटर सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। दूसरा सेल के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सेल के लिए मैं देखूंगा डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज। तो मेरी मूविंग एवरेज जिस तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है और मेरा प्राइस यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर मैं कौन सी कैंडल को यहाँ पर वेट करूंगा जिसमें टेल बार आपका नीचे की तरफ बनेगा। जो यहां पर बने, जो जितनी दूर बने मूविंग एवरेज से उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। मैं यहां पर नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल पास में नहीं देखूंगा या नीचे नहीं देखूंगा, जितना दूर नीचे की तरफ बने और इस तरह की कैंडल फॉर्म हो, जितनी बड़ी कैंडल हो उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सेल में डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज और टेल बार फॉर्म फार अवे फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज, तो इन क्राइटेरिया को हमें देखना है जब भी हम बाय या सेल करेंगे काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में। कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उससे और क्लियर समझ सकें। अगर यहाँ पर मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए देख रहा हूँ, मेरा ट्रेंड यहाँ पर क्या चला हुआ है, ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे गया, हमारा मूविंग एवरेज से बहुत दूर फॉर्म हो रही है जो आपकी टेल बार फॉर्म हो रही है। यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देखेंगे, आप टारगेट प्रॉफिट मूविंग एवरेज तक देखेंगे, इससे ज्यादा टारगेट बड़ा आप नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे टारगेट देखेंगे और उसके बाद वहां से मार्केट से आउट होंगे। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे जितना दूर हो। अब यहाँ पर सेल मार्केट में है तो आप इस तरीके के कैंडल देखेंगे, ना कि इस तरीके के कैंडल देखेंगे, तो ये नहीं देखेंगे। हमारे लिए ये होगा जिसमें टेल बार आपका नीचे की तरफ हो। अगेन चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे आया अगेन। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल फॉर्म हो रही है, ग्रीन कैंडल है, अभी यहाँ पर मैं इसको वेट नहीं हूँ, आप इसको दे सकते थे एंट्री और प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया, ओके, आपका वन ट्रेड आपके अगेंस्ट में क्लोज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ट्रेड आपके प्रॉफिट में ले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सी भी स्ट्रेटेजी से आपको नहीं मिलेगा। अगेन आप देखते हैं दोबारा से चला, क्या मिला, ये वाला मिल रहा है टेल, और यहाँ पर 50-50 जो हमने पिछले वेबिनार में बात की थी 50-50 है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं करता है। अगेन प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर बहुत छोटा है, कुछ बड़ा नहीं है, इतना ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मूविंग एवरेज पास नहीं, ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मूविंग एवरेज के पास, इंटरेस्टिंग नहीं है। ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये थोड़ा मूविंग एवरेज से दूर है, तो जितना दूर होगा उतना बेटर रहेगा ताकि आप मूविंग एवरेज तक का अपना टारगेट यहाँ पर देख सकें और यहाँ तक फिर इसमें आउट हो सकें। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका हमेशा उसके ऊपर रहेगा और जितनी मूवमेंट आपकी इसकी है मूविंग एवरेज तक का आप टारगेट इसमें देखेंगे, एटलीस्ट जितनी बड़ी कैंडल है इतना ही टारगेट आप इसमें देखेंगे ताकि उससे कम आपको टारगेट ना मिले। तो पहले जब भी आप टारगेट देखेंगे जितनी बड़ी कैंडल है उतना ही बड़ा आप टारगेट देखेंगे और मूविंग एवरेज तक का, अगर गैप और ज्यादा है तो हम उसको देखेंगे। कैसे इसके बारे में बात करेंगे, चलिए अभी आगे देखते हैं। अब यहां से मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, इस वाले एग्जांपल में देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, यहां से ऊपर जा रही है, अभी कोई नहीं फॉर्म बार हुआ। यहां पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, अब यहाँ पर इतना बड़ा टेल बार फॉर्म हुआ है, आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट के लिए देखें, पर मान लीजिए आपने यहाँ पर शॉर्ट कर लिया, प्राइस आपके अगेंस्ट गया, बिल्कुल गया, ये वाला यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिली। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया था, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पर लगाया, यहाँ पर, या यहाँ पर ही कहिए कि मैंने आ गया, ये वाली कैंडल आपको स्टॉप लॉस आउट कर दी, कोई बात नहीं, आपका एक ट्रेड स्टॉप लॉस अगेन आउट हो गया, दूसरी कैंडल आपको अगेन अपॉर्चुनिटी दे रही है, यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगाएंगे, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक का हुआ और इतना ही बड़ा मूवमेंट में टारगेट प्रॉफिट के लिए देखूंगा, जो इतना बड़ा मूवमेंट आपका होना चाहिए, या तो फिर मूविंग एवरेज के पास हो या फिर नीचे की तरफ इतना बड़ा मूवमेंट,
यहाँ से आप देखिए पूरा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो जरूरी नहीं कि आपके सभी ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, पर इससे आपको हाई क्वालिटी चांस है, आपके 60-70% आपको यहाँ पर प्रॉफिट में मिलेंगे। पर यही आपको देखना है, जितना दूर आपका प्राइस रहेगा मूविंग एवरेज से उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। टारगेट प्रॉफिट आप मूविंग एवरेज तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर जितनी बड़ी कैंडल स्टॉप लॉस आपने दिया है उतनी ही बड़ी कैंडल का मूव आप नीचे की तरफ देखेंगे। आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये वाला एग्जांपल हमने अभी कवर कर लिया था, शायद ये वही रिपीट है मेरे ख्याल से। ओके, दूसरा देखते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गई, ओके ठीक है, ट्रेंड आपका अप चल रहा है। अब ये वाली कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई, हमारे लिए मैटर नहीं करती क्योंकि मूविंग एवरेज के पास है, तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे। अगेन चलिए, बहुत छोटी है ये, 50-50 है, तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन सी कैंडल है जो आपके लिए मैटर करती है। तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करती क्योंकि 50-50 है। हमें जो मेजर देखना है, जितनी बड़ी उसकी टेल होगी उतना बड़ी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए आपको सिग्नल बेटर ज्यादा मिलेगी। अगेन हम सेल के लिए देख रहे हैं तो हम इन कैंडल्स पे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मूविंग एवरेज से फार अवे फॉर्म। अब यहाँ से मूविंग एवरेज से आप देखिए कितना प्राइस दूर गया ये कैंडल फॉर्म होगी, तो हमारे लिए इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है। बहुत दूर फॉर्म हुई है और रेड हुई है तो और भी अच्छी बात है, अगर ग्रीन होती कोई बात नहीं, पर रेड हुई है और भी अच्छी बात है। क्या हुआ, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, सेलर नीचे आए और यहाँ तक, नोज इतनी बड़ी नहीं है तो इसकी वैल्यू भी फिर भी हमारे लिए, हम यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे ऊपर एंट्री आप लेंगे, जितना बड़ा ये टारगेट स्टॉप लॉस है इतना ही आप मूविंग एवरेज तक देखेंगे। तो आपका टारगेट 1:1 इतना आप इसमें देख सकते हैं और मूविंग एवरेज तक के पास इतना देख सकते हैं। जब आप मूविंग एवरेज के पास जाएं इसमें से आप इसमें आउट हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको मेन देखनी है जब भी आप इसमें ट्रेडिंग के लिए देखेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास और एग्जांपल है। अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस अगेन गया है, आप क्या इस कैंडल को देखेंगे? नहीं, हमारे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कौन सी देख रहे हैं, हम इस तरह की कैंडल की वेट करेंगे और कहाँ हो, ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ कहीं पर, यहाँ पर नहीं देखेंगे हम, अगर ट्रेंड के ऊपर की तरफ है। अब आप कहें ये नहीं हमारे लिए वैल्यू नहीं करती, ये वाली 50-50 है नहीं मैटर करती है, हम नहीं देखेंगे इसको, अगेन नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी इस वाली कैंडल को देखिए 50-50, जितनी बड़ी आपकी यहाँ पर टेल है उतनी बड़ी बॉडी है, नहीं लेंगे। इस वाली कैंडल को देखिए कहाँ फॉर्म हो रही है, हालांकि मूविंग एवरेज के पास फॉर्म हो रही है। यहाँ पर एक चीज और कंबाइन करना चाहिए, आप 2-3 सेटअप को यहाँ पर कंबाइन करना चाहते हैं, आप इंडिकेटर के साथ भी इसको यूज करना है। मैं ज्यादा इसको वो नहीं कहूंगा कि आप इसमें कोई इंडिकेटर लगाएं या और कुछ लगाना चाहिए, पर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राइस आपका एक बार ऊपर गया है, फेल हुआ, दोबारा गया, फेल हुआ, ये एक तरीके से आप कहें कि डबल टॉप का फॉर्मेशन भी हुआ। तो इस तरीके से आप कैंडल के साथ डबल टॉप, और अगर आप इंडिकेटर में लगाएं यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, डाइवर्जेंस में मिल गई, बेस्ट सेटअप आप यू कैन टेक। मतलब 2-3 चीजों को आप एक साथ लगा के देख रहे हैं। नॉर्मली कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज के पास है तो मैं ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा, पर अगर मैं बाकी स्ट्रेटजी यहाँ पर इसके साथ लगाना चाहूँ तो भी आप ले सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप इसको भी देख सकें, पर अगर आप जस्ट सेटअप भी आपका कैंडल स्टिक के बेस पे है, जैसे मैंने बोला मूविंग एवरेज से दूर होना चाहिए, तो अगर दूर होता प्राइस तो डेफिनेटली ले लेता, पर अगर मैं डबल टॉप के बेस पे देख रहा हूँ तो वहां पर मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। तो डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट चीजें, आपका माइंड ओपन होना चाहिए। यहाँ पर अगेन आप देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली ऊपर, हम ट्रेंड के लिए हैं तो हम इसमें शॉर्ट के लिए देखेंगे। ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी हुई यहाँ पर, आप इसमें शॉर्ट के लिए देखेंगे, स्टॉप लॉस आपका हुआ इतना बड़ा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर टारगेट जो है मूविंग एवरेज के पास तो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन जो होंगे मैं आपके बाद में ले लूंगा, वो भी आ रहे जी आप पूछ रहे हैं किस टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में यूज करेंगे आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर हम बड़े जो मूवमेंट्स हैं, मतलब कि बड़ी जो आपकी मूवमेंट है उनको कैप्चर करने की सोच रहे हैं, हम छोटे मूवमेंट को यहाँ पर कैप्चर करने की सोच रहे हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इनमें 1 आवर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है कैंडल जो है कितनी दूर तक गई है, ऊपर गई है, गैप भी है, पर गैप इतना नहीं है प्रॉफिट के लिए। तो फिर जहां पर आप प्रॉफिट देखेंगे वो मूविंग एवरेज के पास नहीं, बल्कि जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस का साइज है उतना बड़ा आप टारगेट यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर स्टॉप एंटर करता हूँ, प्राइस मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं करेगा, तो एक तो अपॉर्चुनिटी ये हुई, दूसरी अपॉर्चुनिटी ये हो रही है, ये वाली कैंडल बन रही है। यहाँ पर भी देखिए टेल बार कितना स्ट्रांग है, अगर मैं यहाँ पर भी इसमें सेल करने की सोचता हूँ तो एक अपॉर्चुनिटी ये, दूसरी ये स्टॉप लॉस अगेन जहां पर वो पिछला प्रीवियस आई मैं वहीं पर रखूंगा और यहाँ पर। तो
मेरा टारगेट प्रॉफिट जितना बड़ा ये था इतना बड़ा मूव भी मैं नीचे की तरफ यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहूंगा ताकि मेरा 1:1 का एटलीस्ट टारगेट यहाँ पर मिले। तो वही फिर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने ये मिस कर दिया आप दूसरी वाली अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं जो आपको डीप डाउन नीचे की तरफ टारगेट देगी। तो टारगेट के लिए मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, जब भी आप एंटर लें जितनी बड़ी आपका स्टॉप लॉस है कैंडल्स का उतना बड़ा टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ ही देखें, अगर मूविंग एवरेज में गैप है तो। अगर नहीं है तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए मूविंग एवरेज के पास, अगर बनता है तो बेटर है, अगर नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट आपको 1:1 मिलना चाहिए, क्योंकि 1:1 भी नहीं मिलेगा तो फिर फायदा नहीं है किसी ट्रेड में एंटर करने का। 1:1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम काउंटर ट्रेंड अगेंस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी मूवमेंट हम नहीं देख रहे हैं, तो 1:5, 2:2 हम नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर छोटी मूवमेंट के साथ हम ट्रेड करेंगे। बार बार आप एंटर करते हैं आप काउंटर ट्रेंड छोटी मूवमेंट को यहाँ पर आप कैप्चर करने की सोचते हैं। कुछ चार्ट में एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं, अगर कुछ चार्ट मैंने एग्जाम्पल निकाल के रखे थे आपके लिए तो जस्ट मैं यहाँ पर चार्ट देखता हूँ। मैं यहाँ पर NJDJPY गाइस, मैं 5 मिनट के चार्ट में हूँ। मेरा चार्ट सभी देख पा रहे हैं या नहीं, पहली चीज मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहूंगा, अगर मुझे चार्ट में बताएं। नो ओके ओके, क्या आप देख पा रहे हैं? ओके गुड, चलिए एक इंडिकेटर यहाँ पर वही जो सिंपल मैंने आपको बताया है, हम यहाँ पर इंडिकेटर लगाते हैं। मैं मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाएं सीधा, आप किसी भी ट्रेडिंग व्यू है कोई और यूज करना चाहे कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को हम 21 कर देते हैं या 20, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप 20 या 21 जो भी आपको बेटर लगे आप इसको ले सकते हैं। 21 को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल पहले से मार्क करके रखे थे जो टेल्स आपको चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आपको यहाँ पर क्लियरली समझा सकते हैं। NJDJPY करंट मार्केट में हम यहाँ पर हैं और अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर देखा था, अगर इस तरीके से आप देखें मार्केट में मूवमेंट नीचे की तरफ है, ये कैंडल आपकी बनी कहाँ बन रही है, जस्ट देखिए कहाँ पर बन रही है, जस्ट रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मार्क किए थे, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले कोई भी हो, प्रॉफिट भी जा सकता है आपका लॉस भी जा सकता है, उसको मैटर नहीं है। बात यहाँ पर है आप इसमें एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे, इतनी ही आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो मूविंग एवरेज के पास बन रहा है आपका बेस्ट है, अगर वो नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट वो नीचे तक हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 1:1 आप टारगेट हमेशा देखेंगे, स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाएंगे, मूविंग एवरेज के पास 1:1 बन जाता है बहुत बढ़िया है, आइडल है। अगर थोड़ा भी ऊपर बनता है बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास बनती है तो फिर हम नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं, तो ये ट्रेड आपके लिए बहुत बेटर है, मूविंग एवरेज से दूर यहाँ पर ट्रेड करें। और देखते हैं, और मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर मार्क करे थे, अगर और कोई कैंडल आप देखें यहाँ पर, देखिए इस कैंडल को आप यहाँ पर देखना चाहें, आप कहें ये भी टेल बार है, नहीं, क्योंकि टेल की है ये कितनी छोटी है, बॉडी बहुत बड़ी है, हमारे लिए मैटर नहीं करता। उसके बाद भले ही आपको प्रॉफिट मिले ठीक है, पर हमें क्वालिटी बढ़ानी है, हमें क्वालिटी को देखना है कि क्या क्वालिटी वाइज आपको बेटर सिग्नल मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये 50% है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, पर मैं नहीं कहूंगा जहां पर भी 50-50 हो मैं उस क्वालिटी को नहीं देखूंगा। तो यहाँ पर फिर आप डिफरेंट सेटअप देखना चाहेंगे, यहाँ पर आप अगर कैंडल स्टिक ही आपका मेन पर्पज है फिर आपको कैंडल स्टिक की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, मतलब कि वहां पर उसमें डोमिनेशन होनी चाहिए। अगर वो कैंडल स्टिक बिल्कुल 50-50 बन रही है, जितनी बड़ी टेल है उतनी बड़ी बॉडी है, क्रॉस आउट हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं है, भले ही मार्केट आपके उसके ट्रेड के साथ जाए, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा मेन सेटअप भी कैंडल स्टिक है और कुछ हम लगा नहीं रहे। जैसा मैंने बोला आप डबल टॉप भी लगा सकते हैं, डबल बॉटम भी लगा सकते हैं, और भी चीजें काफी चीजें हैं, अगर आप कंबाइन करना चाहें वो बात की बात है, पर अभी अगर मैं कैंडल स्टिक देख रहा हूँ मैं इसको पास करूंगा, इसको ट्रेड नहीं लूंगा। और कोई बनता है यहाँ पर 50-50 है मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं नहीं देखता। और आगे चलिए, कुछ ट्रेड अगर मैं यहाँ पर देख रहा था, अगर मिले यहाँ पर कोई टेल बार और नहीं, ये टेल बार बहुत छोटे छोटे हैं, इनको इग्नोर कीजिए, ये आपके लिए क्लटर है, कुछ मैटर नहीं करता है, भले ही ट्रेड नीचे जाए उसके बाद, पर ये आपको बार बार स्टॉप आउट कर देगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा यहाँ से प्राइस गया कितना, ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, इनको अवॉइड कीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, मैटर नहीं करते हैं। तो हर एक कैंडल को नहीं ट्रेड करना है, लोकेशन को देखना है कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर है और कौन सी कैंडल मैटर करती है जहां पर डोमिनेशन आपको मिले। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्या मुझे और कोई ट्रेड है जो मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, हाँ यहाँ पर देखिए इसको देख सकते हैं, ट्रेंड पूरा डाउन, बिल्कुल डाउन है, कितना नीचे तक गया। अब यहाँ पर देखिए कैंडल ये वाली परफॉर्म हो रही है, पर अगेन 50-50% की वैल्यू है, तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मैं इसमें ट्रेड नहीं। दूसरा कैंडल आप यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 70% तक की आपकी टेल यहाँ पर मैटर है, 20-30% ये कहाँ परफॉर्म हो रही है, बहुत दूर मूविंग एवरेज से काफी दूर है, तो आप यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे।
और टारगेट प्रॉफिट आपका मेन मूविंग एवरेज अगर 1 यहाँ पर नहीं बन रहा है तो आप ऊपर तक लेंगे। हालांकि उसके बाद अगर आप फिर भी होल्ड करते हैं इस ट्रेड को, अगर स्टॉप लॉस नहीं गया तो यहाँ से तो पूरा रिवर्सल आपको मिल जाता है। तो मोस्टली आपको अगर छोटी टारगेट मिल जाते हैं बेटर, कभी कभी आपको क्या होगा पूरा रिवर्सल मिलेगा, क्योंकि रिवर्सल होने के चांसेस भी डिपेंड करता है ये कहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जाकर। तो अभी तो मैं यहाँ पर आपको छोटे टर्म टारगेट के लिए देख रहा हूँ, रिवर्सल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे टर्म में काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ आप किस तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल देखें, अगर मैं यहाँ पर इसमें और फाइंड आउट किए थे, अगर हम और देखें यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कैंडल है पर ये ट्रेंड के साथ है तो मैं इसको मैटर नहीं करता मेरे लिए, ये 50-50 है नहीं लूंगा, भले ही आपको मिल जाए पर यहाँ पर फिर वही क्वालिटी वाली बात है। आप फिर हर एक कैंडल को लेना चाहेंगे, आपका क्या क्राइटेरिया होगा मैं लेना चाहूंगा, अगर मैं इसमें ले लेता प्रॉफिट में एंटर होता बेटर है, पर क्वालिटी वाइज नहीं होगी। मैं प्रोसेस अगर मेरा होगा कि मुझे डोमिनेशन देखनी है, डोमिनेशन यहाँ पर नहीं थी इस टाइम फ्रेम में, तो नहीं थी एटलीस्ट अगर मैं इसमें 5 मिनट में देख रहा हूँ, बाकी टाइम फ्रेम में कुछ अलग तरीके से दिख सकती है। जो भी टाइम फ्रेम में आप देखें उसमें देखिए डोमिनेशन कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर देखें ये अगेंस्ट आपका चार्ट, यहाँ से प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ सीधा यहाँ पर गई मार्केट और ये कैंडल फॉर्म, मान लीजिए मैंने इसमें एंटर करने की सोची, ये आपका स्टॉप लॉस आपको आउट करेगी, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी वाली में देखिए यहाँ पर आपकी 40% आपकी बॉडी है, 60% के आसपास आपकी टेल है, तो आप इसमें एंटर, तो आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दूसरा वाला आपका प्रॉफिट में जाएगा। अगेन आपको 1:1 अगर यहाँ पर भी जाए तो, अगर यहाँ से आप इस तरीके से देखेंगे 60-70% आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और देखिए, और मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल मार्क करके देखिए ताकि आपको इसको क्लियरली समझ सकें कि काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन ट्रेंड डाउन में है, यहाँ पर ये कैंडल छोटी है, लेना चाहे आप ले सकते हैं, मैं नहीं एडवाइस करूंगा, जितनी छोटी छोटी कैंडल होंगी मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कैंडल हो रही है तो छोटी, पर अगेन देखिए डोमिनेशन कितनी है, बायर्स के पूरा प्राइस को ऊपर लेके चले गए, तो आप इसको लेना चाहे ले सकते हैं, लेना चाहे ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तभी मैं कहूंगा आप इसको, एक तरीके से कहते हैं ना कि क्वालिटी वाइज सेटअप, कि मुझे 5 स्टार में से देखने हैं कि मेरा जो सेटअप है उसमें से 4 स्टार का, ये जो ये वाला सेटअप अगर मैं देखना चाहूँ, हमने बात की थी 5 out of 5, मतलब कहूंगा कि बॉडी की फॉर्मेशन टेल की फॉर्मेशन ज्यादा है बॉडी कम है, तो ये मेरा यहाँ पर 5 out of 5 मेरा स्टार का सेटअप होगा, इसको तो मैं भेजी सकूंगा, ठीक है। दूसरा मैं कहूंगा कि ये वाला ट्रेड मेरा यहाँ पर सेटअप फॉर्म हो रहा है, बड़ी नहीं है कैंडल, दूर हो रही है 3 to 4, अगर मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं पूरे दिन में, मैं वेट कर रहा हूँ तो ही उस कंडीशन में जाके मैं देख सकता हूँ जस्ट ओके, या मैं अपना रिस्क कम कर दूँ उस चीज में क्योंकि पूरी तरीके से मैं कन्विंस नहीं हूँ। तो आप ये देखिए कि क्वालिटी वाइज सेटअप कैसा है, क्या 5 स्टार है या 4 स्टार है, आप इस तरीके से भी इसको भी देख सकते हैं, आप रेटिंग दे सकते हैं आप इंटरनली कि हाँ मेरा ये ट्रेड सेटअप उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। और सेटअप अगर यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ पर ये ट्रेड के साथ ट्रेंड के साथ है तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, फिर भी क्योंकि हम ट्रेंड के साथ अभी हम बाई के लिए देखें तो ये नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। टेल्स यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है, हम सेल के लिए देखें, अगर ट्रेड आपका अप ट्रेंड आपका अप है, अगर आप बाई के लिए देखेंगे आपका ट्रेंड अगेंस्ट में है। अगर आप यहाँ पर देखें ये वाला आपका ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन में था, यहाँ से देखें यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में जा रही है, ये टेल फॉर्म हुई नहीं, इसको क्रॉस आउट करेंगे, दूसरी टेल देखेंगे ओके यहाँ पर फॉर्म हुई है और ये आपकी यहाँ पर देखें मूविंग एवरेज के पास हुई है। तो फिर अगेन वही मैंने क्वालिटी सेटअप आपको बताया कि आपको देखना है ट्रेंड डाउन है ओके, दूसरा क्या लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन मूविंग एवरेज के पास है, भले ही आपको यहाँ पर आपको 1:1 का टारगेट मिल जाए पर फिर मैं इसमें पास करूंगा, अगेन टॉप क्वालिटी वाइज मेरा ये सेटअप नहीं होगा। अगेन दूसरी वाली यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है, ये कहाँ पर है, एटलीस्ट मूविंग एवरेज से दूर है, तो मेरे लिए यहाँ पर मैटर करती है, इसको मैं एंटर करूंगा कहाँ पर, यहाँ पर बायर डोमिनेट कर रहे हैं इसको प्राइस को ऊपर ले गए, तो एटलीस्ट 1:1 का टारगेट यहाँ पर देखूंगा, जो मूविंग एवरेज पे नहीं हो रहा है तो फिर ऊपर तक का उसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर और भी कैंडल फॉर्म हो रही है, ये देखिए ये हुई जो मिडल वाली है ग्रीन वाली, इसमें नोज आपकी बहुत बड़ी है, अगर आप लेना चाहें क्वालिटी वाइज नहीं कहूंगा पर दूसरी कैंडल में आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक अगर आपकी इतनी सारी कैंडल फॉर्म हो रही है उसकी भी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे, अगेन 1:1 मूविंग एवरेज तक का टारगेट यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आप इसमें ले, ये आपको स्टॉप आउट कर देगा। तो
हाँ, ऐसा नहीं है कि 100% सभी के सभी ट्रेड आपके कोई भी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबल नहीं जाएंगे, तो लॉसिंग ट्रेड भी आ पाएंगे। जस्ट यहाँ पर सभी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कौन से मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें, ये वाला नहीं लेंगे आप, इसको टेल बार में कंसिडर नहीं करेंगे। क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पर इस तरीके से है, नोज देखिए कितनी बड़ी है, नोज ऊपर का एरिया और नीचे, तो यहाँ पर प्राइस यहीं से ओपन हुआ, ऊपर तक गया, नीचे तक गया, यहीं पर आकर उसी में क्लोज हो गया बॉडी यहाँ पे। तो मेनली कौन यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है कुछ नहीं, अभी क्लियर नहीं है पिक्चर, तो यहाँ पर आप उसमें ट्रेड के लिए नहीं देखेंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं तभी हम इसको रैपअप करते हैं। अगर यहाँ पर आप इसको देखें, सीधा प्राइस डाउन, ये आपका टेल बार नहीं है, तो पहले क्लियरली आइडेंटिफाई करना है टेल बार है ये। दूसरा यहाँ पर देखिए, इसको देख सकते हैं सीधा यहाँ पर बायर डोमिनेट कर रहे हैं, प्राइस नीचे तक गया, ऊपर तक लेके आए, ये हमारे और मूविंग एवरेज से कहाँ है, काफी दूर है, नीचे की तरफ है। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग डेफिनेटली मैं इसमें एंटर करूंगा, स्टॉप लॉस नीचे लगाऊंगा, टारगेट प्रॉफिट 1:1 जहां भी बने वहां पर आप इसमें आउट कर सकते हैं। तो बड़े टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ पर नहीं देखेंगे, छोटे टारगेट प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पर एम करेंगे। और कोई एग्जाम्पल अगर है तो, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा उसके बाद। ओके चलिए, तो मैं अपने डेक में वापस चलते हैं। ओके गाइस, तो ये चीजें थी जो मैं आपको बताई थी। अगर जैसे हम डिवाइस की यहाँ पर मैंने बताई थी आपको, सिंपल एंट्री के लिए आपको देखना है बाय के लिए राइजिंग मूविंग एवरेज, 20 हो 21 हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल कोई सी भी यूज कर सकते हैं, लास्ट वेबिनार में मैंने बात की थी उसके बारे में। राइजिंग हो और टेल बार जितनी दूर हो उतना बेटर है। टारगेट प्रॉफिट मूविंग एवरेज के पास 1:1 का टारगेट आप देखेंगे, फॉर्मेशन आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। सेल के लिए अगर आप देखेंगे, डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज, टेल बार नीचे की तरफ फॉर्म हो, फॉर्मेशन आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। तो मेन स्टेप जैसे आप ये देखेंगे, जैसे मैंने बोला पहले आपको अवेयर किया है, बिगिनर्स के लिए नहीं है, आप एडवांस ट्रेडर हैं तभी आप इसको ट्राई कीजिएगा, और डेमो में ट्राई कीजिए, उसके बाद जब आपका माइंड सेट, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, तो आपका माइंड सेट बहुत प्रॉपर होना चाहिए, आपको प्लान पता होना चाहिए, आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या आप फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि जस्ट एंट्री एग्जिट एग्जिट एंट्री करते जाएंगे आप, फिर वो आपके लिए बेटर नहीं है ट्रेडर के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इन चीजों को आपको फॉलो कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं, कोई क्वेश्चन होंगे वो लूंगा मैं यहाँ पर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपके हैं मुझे forexally.india@gmail.com पर पूछ सकते हैं, या आपका अकाउंट अगर टिकमेल में नहीं है, टिकमेल अच्छा ब्रोकर है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जस्ट प्रमोट करता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ और काफी अच्छी है, स्प्रेड काफी अच्छा है और कमीशन भी बहुत ही टाइट कमीशन है जो आप देखेंगे बाकी अकाउंट्स में, आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप मुझे डायरेक्टली चैट क्वेश्चन पूछना चाहें तो वहां पर मुझे पूछ सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अभी आपकी जो कोई क्वेश्चन हो तो मैं लेना चाहूंगा, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके दानिश, मेरा ज्वाइन वेरी लेट, विल यू पुट इन यूट्यूब? यस दानिश जी, आई विल पुट इट लेटर ऑन व्हेन आई विल, इट विल बी अवेलेबल फॉर मी, सो अगर आप मिस कर गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सबको क्लियर है, क्या क्लियर है जो मैं समझा पाया, कन्वे कर पाया किस तरीके से, पहले तो मुझे बताइए क्लियर या ऑल क्लियर, ऐसा कुछ तो नहीं है। ओके जी जी क्लियर है, बाकी बताइए, विवेक बट क्लियर, थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी हेल्पफुल, गुड गुड बोबी आर्या जी, थैंक यू फॉर फीडबैक। ये जो स्ट्रेटेजी जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, इजीली इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, और कंफ्यूज मत होइए, आप 10-15-20 स्ट्रेटेजी मत लगाइए एक साथ, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है आप उसको ट्रेड करते हैं उसी को फॉलो कीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे 5-10-15-20 ये भी सीखना, ये भी सीख सकते हैं, पर सभी को एक साथ अप्लाई मत कीजिए, नहीं तो आप दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। पहले एक चीज में परफेक्ट होइए फिर दूसरी चीज को अप्लाई कीजिए, नॉलेज के लिए अच्छा है आप सीख सकते हैं। स्ट्रेटेजी में आपको इतनी दे दूंगा जो आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, पर मैं कहूंगा मास्टर बनिए फिर दूसरी पे जाइए, दूसरी में मास्टर होगी फिर तीसरी, आप अपना स्कोप बढ़ा रहे हैं फिर, तो एक दो स्ट्रेटेजी पकड़िए उन पे मास्टर कीजिए, काम करिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलता है,
बाकी फिर आप और स्ट्रेटजी ऐड कर दीजिए। मैक्सिमम ज्यादा स्ट्रेटजी आपको यूज करने की जरूरत नहीं, पर नॉलेज के लिए जैसे मैंने कहा काफी तरीके हैं, किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता है, ये वाली स्ट्रेटजी मेरे लिए अच्छी है, किसी के लिए ये स्ट्रेटजी, कोई काउंटर ट्रेंड प्रेफर करता है, कोई ट्रेंड ट्रेडिंग, कोई इंडिकेटर के साथ। तो सभी चीजें मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा जो आपके लिए पॉसिबल सिनेरियोस है। ओके, जस्ट मैं क्वेश्चन में देखूं अगर मैं मिस किया हूं किसी को। हेजिंग वाला पॉइंट बहुत सही है सर। ओके थैंक यू धर्मजीत जी। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कैसा बोला मैंने आपको सब्जी कि आप 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर से नीचे नीचे इसको ट्राई कीजिएगा, ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम में इसको मत ट्राई कीजिएगा। कर सकते हैं धर्मजीत जी आप 1 आवर में भी कर सकते हैं, 15 मिनट दोनों में कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट में दिखाया और 15 मिनट में भी, 1 आवर में भी, जस्ट उससे नीचे नीचे रहिएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? जस्ट मेरी दो वार्निंग यहाँ पर मैंने बताई थी, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग सभी के लिए नहीं है, बिगिनर के लिए नहीं है, तो प्लीज केयरफुली इसको देखिएगा। और दूसरा, तीन एक साथ काफी स्ट्रेटजी को अप्लाई मत कीजिए, एक दो स्ट्रेटजी अपने बास्केट में रखिए, नॉलेज के लिए आप सीखते रहिए। जब आप एक चीज में एक्सपर्ट हो जाए, दो चीज में एक्सपर्ट हो जाए, आप अपनी कैटेगरी, आप अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाते हैं, चीजों को एड करते हैं ताकि आपका लेवल बढ़ सके। पर एकदम से आप बिगिनर हो, ये वाली भी स्ट्रेटजी कल मैंने पिछले वेबिनार में वो वाली स्ट्रेटजी बताई थी, वो भी देख लेता हूँ, एक मैं वो बताई थी, वो भी आप 5-6 स्ट्रेटजी एक साथ लगाने दें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस चक्कर में मत फंसिए कि मुझे सभी कुछ लगाना है, सभी कुछ सीखना है। सीख सकते हैं पर एक चीज में परफेक्ट हुई है। ओके सर, स्टार्टिंग अमाउंट कितना चाहिए होगा एक बिगिनर को टिकमिल में अकाउंट ओपन करने के लिए? टिकमिल में अगर जो बेसिक अकाउंट है $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो उनका क्लासिक अकाउंट है $100 से आप खोल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको मिनिमम इतना है वो आपको रहना चाहिए ताकि आप इसको खोल सकें। बहुत ज्यादा टाइट स्प्रेड है, इनका कमीशन भी काफी लो है, काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। डेली कितने ट्रेड लगाने चाहिए ये आपके ऊपर प्लान है कि आप क्या है, आपका प्लान है कि मेरा टारगेट ये नहीं कि आप दिन में 50 ट्रेड ले दें, ओवर ट्रेडिंग में भी नहीं जाना है, टाइम फिक्स कीजिए, ये पेयर्स हैं इस टाइम तक मुझे देखना है, 1-2 घंटे मुझे इसमें ट्रेडिंग करनी है। क्वालिटी वाइज देखिए सेटअप कहाँ पे मिलते हैं उसके हिसाब से देखिए, 2-3-4 मैक्सिमम, इससे ज्यादा ट्रेडिंग ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका टारगेट अचीव हो जाए, मुझे $50 $100 जो भी है, वीकली मंथली जो भी आप सेट करते हैं उसके हिसाब से देखिए। 10 का मूविंग एवरेज सही रहेगा, उसमें आपको टारगेट ज्यादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्राइस फिर मूविंग एवरेज के साथ चलेगा, तो वो ज्यादा आपको गैप नहीं मिलेगा, टारगेट प्रॉफिट कहाँ पर सेट करेंगे और प्राइस के साथ ही रहेगा, तो वहां पर फिर वो एंटर करने में प्रॉब्लम आ जाएगी कि प्राइस मूविंग एवरेज के साथ है, तो बहुत जो एंट्री के लिए मैं कह रहा हूँ मूविंग एवरेज से दूर होना चाहिए, वो दूर नहीं मिलेगी सेटअप आपको, तो 10 मूविंग एवरेज इतना बेटर रिजल्ट नहीं देगा, आप टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। सर इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को किस ध्यान में रखना चाहिए? अगर आप गुड क्वेश्चन कि अगर आप रिवर्सल के लिए देख रहे हैं, अगर वहां पर कुछ सपोर्ट या रेसिस्टेंस है और ये कैंडल फॉर्म हो रही है तो रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं, नहीं तो फिर हम छोटे टारगेट के लिए आपको देख रहे हैं कि छोटी छोटी मुझे टारगेट देखना है मूविंग एवरेज के पास आउट होना है, पर अगर ये कहीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास फॉर्म हो रहे हैं, वहां पर सॉलिड सपोर्ट या रेसिस्टेंस है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको रिवर्सल के चांसेस मिल सकते हैं। सर आपने दोनों सेशन में मार्केट को देखने के वही चेंज कर दिए, सिंपल एंड इफेक्टिव। सर आपको दोनों सेशन में मार्केट को देखने का वही चेंज, ओके धर्मजीत जी थैंक यू, आई होप पॉजिटिव कमेंट है, मैं दूसरे तरीके से नहीं पढ़ा। सर यूट्यूब पर कब मिलेगा? थोड़ा टाइम लगेगा जब मुझे अवेलेबल हो जाएगा, कि यहाँ पर भी मुझे इनसे लेना होता है, उसके बाद जो भी होगी क्योंकि ये भी पास करेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो के अगेंस्ट हो, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर दूंगा। बॉबी आर्य, डू यू थिंक $100 इज गुड फॉर स्टार्टिंग? इनफ नहीं है क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, $100 टिकमिल की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम कितना होना चाहिए अगर आप अकाउंट खोलेंगे और ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट मैं कहूंगा एटलीस्ट 500,000 इतना होना चाहिए ताकि आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकें, क्योंकि आपको बहुत छोटे ट्रेड लेने होंगे। जितना बड़ा छोटा अकाउंट 500,000 तक में छोटे ट्रेड लीजिएगा, बड़े ट्रेड मत लीजिए नहीं तो मार्केट से जल्दी आउट हो जाएंगे। ट्रेडिंग के कौन से टाइम इज बेटर रहेगा? डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, आप स्विंग करते हैं, इंट्राडे करती हैं या स्कैल्पिंग करते हैं, तो अलग अलग है। स्विंग के लिए बड़े टाइम फ्रेम में जाइए, इंट्रा के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाइए। सर इससे पहले वाला वेबिनार जो 12 मई को हुआ था वो कब यूट्यूब पर आ जाएगा? जैसे 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 मैंने बोला इनसे मुझे क्लियरेंस मिलेगी सारा कुछ, कि ये भी चेक करते हैं कि सारा कुछ है, उसके बाद मुझे मिलेगा फिर मैं आपको अपलोड कर पाऊंगा, पर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो अगर मैं मिस कर गया हूँ तो देख सकते हैं, हम 2-3 मिनट हो रहे हैं हमारे पास।
0.01 की ट्रेड ले सकते हैं ना $100 के, बिल्कुल डेफिनेटली ये आपकी मिनिमम लोट है जो आप ले सकते हैं, इससे छोटा आप नहीं जा सकते। तो ये आपकी मिनिमम लोट है जो टिकमिल में आप ले सकते हैं, और इसी को मैं कहूंगा कि रिकमेंड करूंगा आपको। छोटे अकाउंट खोल रहे हैं तो छोटे लीजिए आप, अकाउंट कैपिटल बिल्ड करने पर अपना जोर दीजिए, प्रॉफिट आते रहेंगे और स्लोली स्लोली जैसे आप सीखेंगे भी आपको और ज्यादा पता चलेगा। यस देन यू कैन सर्वाइव। ओके संदीप, हमें मॉर्निंग में ट्रेड करना अच्छा होता है कि मॉर्निंग में ट्रेड करना, मॉर्निंग में अगर आप इंडिया के लिए बोल रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आपके लिए अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में केवल आपकी एशियन मार्केट खुली होती है, जहां पर आपकी न्यूजीलैंड की मार्केट है, जापानीज मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, केवल यही मार्केट ओपन है, वहां पर आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। बेटर रहेगा लंदन सेशन जो 1:30 बजे के आसपास खुलता है, दोपहर में नहीं ट्रेड कर सकते हैं तो 5 बजे के बाद कोई भी टाइम मिले, क्योंकि 5 से 7 बजे तक आपकी लंदन तो खुला ही होता है, फिर 7 बजे वो भी खुल जाता है आपका यूएस सेशन, तो दो दोनों मार्केट 1 घंटे के लिए ओपन रहती है, वो और भी बेटर टाइम है। तो 5 बजे के बाद कोई भी टाइम मिले आप ट्रेड कर लीजिएगा, 10 बजे तक 11 बजे तक। मॉर्निंग में नहीं कहूंगा, एडवाइस करूंगा, वहां पर आपको मूवमेंट इतनी ज्यादा मिलेगी। और सर गोल्ड में कौन से रूल फॉलो करें क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल होता है? देखिए अलग सेटअप, ये सेटअप भी वहां पर फॉलो होगा क्योंकि वहां पर हम बाय क्या कर रहे हैं, इमोशंस को ही बाय करते हैं, बाय और सेलर एक ही हैं सभी जगह पर, यही रहते हैं, उन्हीं को बाय करते हैं वही सेल करते हैं, तो उन्हीं को इमोशन सेंटिमेंट को पहचानना है, और यही जो फूड स्टेप्स होते हैं उनके वो हमें पहचान होते हैं, उन्हीं को ट्रेड करना होता है। ट्रेडिंग विद ट्रेंड किस टाइम फ्रेम में बेस्ट रहेगा? उसको आप हायर टाइम में रहेंगे तो बेटर रहेगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगेंस्ट में मैं कहूंगा छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। सर आपने एक्सचेंज का ट्रेडिंग फंडामेंटल किया था, वो भी आ जाएगा, जैसे मैंने बोला इनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ये पास करेंगे, चेक करेंगे अपने टीम से कि हाँ सब कुछ ठीक है, फिर मुझे प्रोवाइड करेंगे, फिर मैं एडिट करूंगा, फिर उसको अपलोड करूंगा, तो इतना टाइम लगता है, जब तक वो मुझे नहीं देते मैं अपलोड भी नहीं कर पाता, वो उनकी तरफ से डिले रहता है, मेरी तरफ से तो आज मिल जाए मैं आज इसको अपलोड करूँ, ठीक है ना, तो मैं नहीं कर पाता हूँ तो, पर डेफिनेटली आपको स्लो सुनर और लेटर वो मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी वोलेटाइल टाइम प्लीज सर टू टाइम, आप यूएस मार्केट जब खुली होती है आप उसमें ट्रेड कीजिएगा, बेटर रहेगा। सर एक वेबिनार बाउंसिंग अपॉन मूविंग एवरेज पर भी बनाइए। ओके जरूर, मूविंग एवरेज के ऊपर भी और यहाँ पर कवर करेंगे इन फ्यूचर में, तो अभी जो एजेंडा है हम उसी को फॉलो करेंगे। अभी दो वेबिनार हो रहे हैं हमारे, एक नेक्स्ट थर्सडे होगा और फिर एक ट्यूसडे होगा, जो लास्ट वेबिनार है वो ट्यूसडे लास्ट, तो इसी महीने में हमें कंप्लीट करने हैं जो 4 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का एक वेबिनार मैंने अपने यूट्यूब पर किया हुआ है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बताया और उस वहां पर मैंने सपोर्ट को भी कवर किया हुआ है, तो एक वेबिनार है उसको देखिएगा, हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। फिबोनाची पर डिटेल्स भी वीडियो बनाए जरूर, उसके ऊपर भी कवर करेंगे, ये टॉपिक पहले काफी दिनों से माइंड में है। ओके 2-3 मिनट और हैं, हम और क्वेश्चन देखते हैं अगर और भी हो तो। आई होप आपको हेल्प मिल रही है जो मैं सिखाना चाहता हूँ, एटलीस्ट कुछ भी किसी भी तरीके से आप यहाँ पर सीखते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो भी अगर जुड़े मेरे साथ वो एटलीस्ट कुछ सीख के जाएं, ये नहीं कि आए यहाँ पर कुछ बेनिफिट नहीं मिला आपको। सर हम लोग करेंसी मीटर को कैसे तैयार करेंगे लाइव मार्केट चार्ट चार्ट पर? आशुतोष जी एक वीडियो बनाया हुआ है करेंसी मीटर के लिए, या फिर वेबसाइट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, काफी वेबसाइट है करेंसी मीटर के लिए, आप वहां से यूज कर सकते हैं, जस्ट गूगल पर सर्च कीजिए आपको बहुत मिल जाएंगी, ठीक है? या फिर करेंसी मीटर के लिए मैंने एक एक्सेल का वीडियो बनाया हुआ, आप अपना खुद बना सकते हैं और उसको अपने, क्योंकि आप अपने काम पर ज्यादा विश्वास करेंगे रादर देन कि दूसरे पर, वो किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं आप अपने तरीके से आप देखेंगे, तो वहां पर एक वीडियो बनाया उसको देखिएगा, या फिर आप वेबसाइट पर देख सकते हैं करेंसी मीटर, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, तो वो अलग अलग चार्ट पे अलग अलग उसके लिए मैटर करेगा, तो काफी साइट है, आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। 10K EMA को प्राइस टच करके ज्यादातर रिवर्स होता है मैंने देखा है, 10K में, 10K का 10K मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो क्या है 10K, मेरे ख्याल से आप 100 बोलना चाह रहे हैं, 10K तो प्राइस उसके साथ ही चलेगा, अगर जो मैं यहाँ पर चार्ट दिखाना चाह रहा था मैं नहीं दिखा सकता, जस्ट क्लोज करने के लिए है, जस्ट चेक कीजिएगा न्यूजीलैंड JPY का यही जो कैंडल्स मैंने दिखाए थे, अगर आप 10 मूविंग एवरेज वहां पर लगाएंगे तो प्राइस 4 कैंडल के साथ चलेगा,
तो इतना गैप भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको टच करने के लिए। यहाँ पर कैंडलस्टिक की जो स्ट्रेटेजी मैंने बोली है, हमें फार ट्रेड करना है, जितनी दूर बनेगी तभी आप एंटर लेंगे, 10K में उसके साथ ज्यादा चलेगा, एंट्री के लिए आपको इतने बेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कैंडलस्टिक फॉर्म भी होगी वो 10 मूविंग एवरेज के पास मिलेगी। फिर भी आप टेस्ट करें, आपको रिजल्ट मिलता है, ओपन है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिक्स रूल है कि यही आप फॉलो कीजिए, ठीक है, आप कोई भी और चीज चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, पर टेस्ट कीजिए, 50-100 ट्रेड लीजिए डेमो में, आपको बेटर रिजल्ट किसी और चीज से मिलते हैं, उसको देखिए। जो मैंने टेस्ट किए हैं, जिससे मेरे को बेटर रिजल्ट मिला, वो मैं आपको साथ शेयर कर। सर, SNR के लिए कोई इंडिकेटर सजेस्ट कीजिए, SNR सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए, और आगे भी हम काम करेंगे और वेबिनार है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इंडिकेटर जस्ट बे उसके बेस पे नहीं कहूंगा कि आप उसके बेस पे इसको देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। और कोई क्वेश्चन गाइज? और 2-3 मिनट है हमारे पास। ओके, चलिए, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट सभी का धन्यवाद, थैंक यू। आई होप यहाँ पर आप कुछ सीख के जाएंगे, जो भी सीखें अप्लाई कीजिए, डेमो में ट्राई कीजिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी सारी स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि आपको सभी अप्लाई करनी है, एक या दो चीज पे फोकस कीजिए। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेना जरूरी है, इन फ्यूचर में भी आप अप्लाई कर सकेंगे। आपको यही देखना है कि मेरे लिए क्या काम करती है, मेरे लिए वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, दूसरी नहीं तो तीसरी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट यही मेरा पर्पज है, स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, नॉलेज आपको देता रहूंगा, होपफुली आपको रिजल्ट मिलेंगे, जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। जस्ट प्लान बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक चीज पे प्रैक्टिस कीजिए, मास्टर बनिए, यानी कि सभी के लिए सभी जगह पे आप घुसे हुए, ये भी करना, ये भी, ऐसा नहीं है। नॉलेज बढ़ाइए, इन फ्यूचर उस चीज को फिर अप्लाई कीजिए, होपफुली आपको नॉलेज मिली होगी। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन किया, जो भी जुड़े, और नेक्स्ट वेबिनार में और चीजें एडवांस में करेंगे, जो हमारा थर्ड वेबिनार होगा वहां पर आप और चीजें सीखेंगे, हम शायद सपोर्ट एंड असिस्टेंस है, जो मेरा नेक्स्ट वेबिनार में मेरे को याद नहीं है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। संदीप जी, जस्ट आपका आंसर यहाँ पर, क्लासिक यूज कर सकते हैं अगर $100 है आपके पास, अगर ज्यादा है 200 तो प्रो यूज कर सकते हैं, जो दूसरा है उनका। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी ज्वाइन किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, और धन्यवाद, गुड नाइट एंड गुड बाय, थैंक यू।